हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहिन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 600 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने मीडियम साइज्ड पीसेस में कट करवा लिया है। 2 ऑनियंस लिया है, जिसको मैंने स्लाइस कर दिया है। 2 टोमेटोज को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है बिल्कुल भरकर। 1 टी स्पून रेड चिली, 1 टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टी स्पून धनिया, 1 टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है मैंने, और सॉल्ट टू टेस्ट लेंगे हम। मैंने हरी मिर्चें ली है 3 से 4 साबित, और हरा धनिया ले लिया है मैंने यहाँ पर। कुछ साबित मैंने खड़े मसाले लिए हैं, इसमें मैंने 2 इलायची, 1 बादियान, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 लौंग, 3 से 4 काली मिरी ली है, और 1 तेज पत्ता लिया है मैंने। 1/2 कप हम फैट योगर्ट यूज करेंगे, या दही यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा मैंने यहाँ पर केवरा एसेंस लिया है, और ऑरेंज रेड फूड कलरिंग में यूज करी हूँ। ये दोनों ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने राइस लिया है, जिसको मैंने ऑलरेडी 90% बॉइल कर लिया है। सिर्फ मैंने सॉल्ट एंड ऑयल डाला था वाटर में, और उसको मैंने अच्छी तरह से वाटर को बॉइल कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें वॉश्ड राइस ऐड कर दिया, और उसको मैंने 90% डन होने तक मैंने कुक कर लिया, और उसको मैंने स्ट्रेन करके यहाँ पर रख दिया है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे ही सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज उस पर क्लिक कर दें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से चिकन बिरयानी। तो सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। चिकन में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑफ योगर्ट जो हमने ले लिया था। इसके अलावा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, रेड चिली पाउडर, ये जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून भर के, ये ऐड कर देते हैं। सॉल्ट ऐड कर देते हैं, और इन सारी चीजों को फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसी समय मैं इसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ रेड फूड कलरिंग ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है जैसे मैंने बताया था, और जस्ट अ ड्रॉप ऑफ केवरा एसेंस मैंने ऐड किया है। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और इसको हमने साइड में रखे रहने देना है 15-20 मिनट्स के लिए, जब तक हम मसाले प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने वेसल में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूं ये स्लाइस ऑनियन, 1/2 कप ऑफ ऑयल लिया था मैंने, और अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑनियंस जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो अब हमने इसको ड्रेन कर लेना है, और इसको हम निकाल लेते हैं। सारा प्याज हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे प्याज को निकाल लिया है यहां पर। तो मैंने सारे ऑनियंस को निकाल लिया है यहां पर, और इसी ऑयल में मैंने ये खड़े मसाले ऐड कर दे रही हूं। इसको हमने जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेना है, ताकि सारा ऑयल में इसका फ्लेवर उतर जाए। अब हम इसमें टोमेटोज ऐड कर देंगे। टोमेटोज को हमने अच्छी तरह भून लेना है, जब तक बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए इसमें। ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके हैं, और टोमेटोज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है इसमें। अब हमने इसमें ये मैरिनेट चिकन ऐड कर देना है। मिक्स कर लेते हैं इसको। अब हमने इसको कवर कर लेना है, गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देते हैं, और इसको 15 मिनट के लिए हम इसी तरह छोड़ देंगे, जब तक चिकन थोड़ा सा टेंडर हो जाए इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं कि मैंने चिकन को यहां पर छोड़ दिया था। इसको मैंने एक बार खोलकर चला लिया था, और थोड़ा सा इसका वाटर भी रिड्यूस हो चुका है। अब हमने जो ऑनियंस फ्राई कर लिया था, उसको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। आप चाहे तो मिक्सर में भी इसको आप ग्राइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये जो चिलीज ली है, ये मैं चिलीज भी इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हमने इसमें हरा धनिया ऐड कर देना है, और इसको फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको फिर हमने कवर कर लेना है, और इसको हम 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक चिकन अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 10 मिनट और हो चुके हैं। आप जैसे देख सकते हैं, ऑयल ऊज आउट हो रहा है इसमें से, और चिकन अब थोड़ा सा अच्छी तरह से गल चुका है। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने गैस का फ्लेम लो कर देना है। मैंने थोड़ा सा ऑनियंस जो हमने फ्राई किया था, उसमें से थोड़ा सा बचा लिया था, ऑनियंस हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे।
थोड़ा सा हरा धनिया और हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। और हमने जो राइस बॉईल करके रख दिया था वो राइस अब हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है और इसको हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। इसके ऊपर अब हमने ऑनियंस ऐड कर देना है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देती हूं मैं, ये ग्रीन चिली भी मैं ऐड कर दिया है मैंने, थोड़ा सा फूड कलरिंग ऐड करी हूं जैसे मैंने कहा था ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा हमने इसके ऊपर केवरा एसेंस ऐड कर देना है जस्ट अ ड्रॉप, थोड़ा सा घी ऐड करी हूं मैं, इसको अब हमने कवर कर लेना है और इसको 15 मिनट्स के लिए हमने दम कर लेना है। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखिए हमारी बिरयानी अच्छे से दम गई है, फ्यूम्स अच्छी तरह से इसमें से बाहर आ रहा है और मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, इसको चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए बिरयानी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो चुका है चिकन बिरयानी, बहुत ही यमी लग रहा है ये और बहुत ही इजी प्रोसेस से मैंने इसको बनाया है। आप इसको सर्व कर सकते हैं दही रायते के साथ और कचुंबर के साथ, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।